कर्नाटक विधानसभा चुनाव में विवादित बयानों के बाद अब नेताओं के व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप भी शुरू कर दिए गए हैं। कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दावा किया है कि भाजपा नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की हत्या की साजिश रच रही है। सुरजेवाला ने शनिवार को बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक ऑडियो क्लिप सुनाई। उन्होंने दावा किया कि इसमें सुनाई गई आवाज़ कर्नाटक की चित्तपुर सीट से भाजपा के उम्मीदवार मणिकांत राठौड़ की है। क्लिप में खटगे और उनके परिवार को ख़त्म करने की बात की जा रही है। सुरजेवाला बोले, मणिकांत राठौड़ पीएम मोदी और सीएम मुंबई का चाहता भी है। राठौड़ ने पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और चित्तपुर से पार्टी प्रत्याशी प्रियांक खड़गे को जान से मारने की धमकी दी थी। पिछले साल 13 नवंबर को उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। सुरजेवाला ने कहा, मुझे पता है कि प्रधानमंत्री इस पर मौन बने रहेंगे और कर्नाटक की पुलिस व चुनाव आयोग भी, लेकिन कर्नाटक के लोग मौन नहीं रह सकते और वह मुंह तोड़ जवाब देंगे। सुरजेवाला ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, क्या राजनीति इससे भी अधिक गिर सकती है? पूरी भाजपा चिंतित है क्योंकि 6.5 करोड़ से अधिक कर्नाटक के हमारे भाई बहनों ने मन बना लिया है कि वो भाजपा को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। हार का सामना कर रही भाजपा अब कत्ल पर उतर आई है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।